सुबह के 5 बज रहे हैं और पैकिंग डन हो चुकी है। आप घर पे मैस देख रहे हो क्योंकि बालकनी की चीज़ें मुझे अंदर रखनी पड़ती है। अभी बारिशों का सीज़न है तो कपड़े वपड़े सब अंदर, और यूवी सिंधी जलंधर जाएंगे। मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही हूँ, मतलब रिदान के बाद अकेले, सो मुझे अंदर से डर भी लग रहा है। आई नो लड़कियाँ हैं साथ में बड़े भी हैं जो बच्चे हैंडल कर सकते हैं, जिनको पता है क्या ज़रूरत होती है, बट स्टिल मैं इतनी यूज टू यूवी सिंह की कि मुझे ऐसा लग रहा है अभी अच्छा मैंने ये ट्रिप प्लान करके गलती तो नहीं की या कुछ। लेट्स सी, हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो रिदान ऑब्वियसली वो 10 बजे उठता है, सो हमारी फ़्लाइट 8:25 की है, तो मैंने उसे रात को ही नहला दिया था। और अभी मैं रेडी हो जाऊँगी, देन वील गो टू द एयरपोर्ट। और घर का काम ऑलरेडी मैंने पैकिंग वैकिंग ऑलमोस्ट एक दिन पहले कर ली थी क्योंकि मैं लास्ट मोमेंट भी चीज़ें रह जाती। अभी भी कल भी ऐसा ही हो रहा था। बट आई विल टेल यू एवरीथिंग। सुपर एक्साइटेड ऑल्सो एंड नर्वस टू, करी यार एंजॉय करो। शीला अभी गोवा पहुंच चुके हैं। तो मीरा, पिंकी, नैन्सी, निकी, सी, तो हम गोवा पहुंच चुके हैं। ये आदम, हेलो। ने पूरा शोर मचाया हुआ। वो अंकल गाड़ी चला रहे हैं, कर देंगे अगर वो पीछे भेज दूंगा तेरे को मैं फिर। वो कहाँ गया?
ये है किला जहाँ हम रुके हैं। अभी थोड़ी देर के लिए भी दो मैंने बुआ जी को दिया है कुछ। आई एम टायर्ड नाउ, आई नीड अ ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। अभी सो दिस इज द व्यू। Such a pretty room. Yeah. No. Guys, you know what? चार दिन भी सो लिया तो आज रात में जगराता करने वाले और सर फुल चार्ज है, मेरे हाथ में नहीं आ रहे हैं, सीनी है, डर लग रहा है, फिर भी नाचना सब। सो देखो सर को डांस करना है। सुपर एक्साइटेड बेबी रिदान। रिदू जी को मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर अपना म्यूजिक सुनेगा तो वो सो जाएगा। अशीना जी एज यूजुअल हमारे साथ और ये मीरा जी की एंट्री हुई है। बहुत डांस करना है। सो हम रेडी हो चुके हैं, हम जाएंगे घूमी घूमी। ये हमारे अदर हैं, ये भी रेडी होंगे अभी। तो क्यूटू बेबी है ये, अदर की टेक केयर करते हैं। थैंक यू। हाय। हेलो अदर। मॉर्निंग अदर। रिदु रिदु अदर। मैंने बड़ी कोशिश की विदान के साथ फोटोज क्लिक कराने की, मैंने इसके अच्छे अच्छे बीच में पहनने के लिए कपड़े, कुछ नहीं कराया, कुछ फोटो शूट नहीं कराया। ये लिचड़ बच्चा खिलारा डाला हुआ सारी जगह, सब चीज़ें इधर उधर फेंक दो। मेरा फोटोशूट चलो मैं तो करूँगी थोड़ा बहुत, पर मेरी इतनी इच्छा थी मैं इसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करूँ, पोस्ट करूँगी। नहीं ये अभी से हाथ में नहीं आता। सो सुबह से रेडी हुए हैं और अब हम निकल रहे हैं। बाबा जी बाबा जी जय माना जी। चलो रिदु जी पता नहीं किस शॉप में आ चुके हैं। कहाँ जा रहे हैं बताओ? अब हम घूमने जा रहे हैं। रास्ता कौन बताएगा? मेरा फोन मेरे पास, मेरे लिए खाने के लिए उनके फोन। बाबी यस फाइनली चिढ़ते चिढ़ाते गुस्सा करते हुए हम निकल चुके हैं घर से, और अब जब हम निकल ही चुके हैं रिस्क ले लिया तो हम पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं। गाड़ियाँ हमने देखी पेट्रोल बहुत कम है, दिखाते हैं हम पेट्रोल कैसे भराते हैं। मीरा जी के पीछे देखो आप दिख नहीं रहे।
चुकी हूँ मतलब दिल पे पत्थर मैंने हार बुक कर ली सो एंजॉय तो हो रहा है बट ये एक्सपीरियंस है क्योंकि वो पहली बार गोवा आए हैं फर्स्ट टाइम कार चला रहे हैं ऊपर से हम पंजाबी हैं ऊपर से हम लड़कियां हैं और ऊपर से हम तेज भी चलाएंगे नहीं तेज तो नहीं चला रहे बच्चे हैं वी कांट टेक एनी रिस्क पेट्रोल भर आ चुके वो आपको बताना होंगे हमने बस वहाँ जाके रोके गाड़ी गाड़ी पेट्रोल का वो खोलना नहीं आया तो हमने चाबी दे दी पेट्रोल वाले को उनको बोला डाल दो सॉरी डीजल तो सवार हो चुके हैं तो वी आर गोइंग समवेयर प्लेस कॉल्ड टिपली सो लेट्स सी हाउ इट इज बच्चे स्टिल वी आर मैनेजिंग स्टिल वी आर ट्राइंग टू लुक हॉट स्टिल वी आर ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग वी आर सुपर मॉम सो हम आए हैं अभी तितली 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 उड़ी उड़े ना सकी इन्होंने मुझे कहा है कि जिसका व्लॉग है उसे भी ले लो तो मैं इनको ही लूंगी बस चल सकती अब दिख रहा है वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जहाँ पे मास्क नहीं पहन सकते अभी किसी आइलैंड पे चलते हैं एक छोटा सा हट बना लेंगे और वहीं रह लेंगे लेट्स जस्ट गो अवे फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल शिट यू नो पप्पी दीदी कुछ कह रहे जहाँ पे हम अपना एक छोटा सा हट बनाएंगे एंड देन वी कैन प्रोबेबली गो अवे फ्रॉम दिस वी आर इन राइट नाउ अभी शॉपिंग करने चलते हैं आज हम गोवा ड्रेसेस दिखा थोड़ा ओके हम
से निकले हैं और हमारी सीना जी बैटरी भूल जाती हैं क्योंकि ऑफ ही नहीं करती कैमरा। हालांकि हमारी 12 बजे की फ्लाइट है बट स्टिल हमने जल्दी जाना जरूरी समझा क्योंकि ट्रैफिक का कोई पता नहीं होता एंड आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क कि हमारी फ्लाइट मिस हो जाए। बाय गोवा। मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूं। बोरिंग एयरपोर्ट है। तुम बनाओ कैसे डांस कर दो सेंटर से खड़ा होकर रील बना लग रही है। मेरे कैमरामैन घबराए हुए फोन ऑन करने से पहले ही डर जाते हैं। अब हम तुझे गोवा की निशानी लेने से पहले से आई लव गोवा तो नहीं लेनी थी। नहीं प्लीज टू मच गोवा हो गया। सो पिछले साल भी आप ऐसे मंथ चाहे थी अक्टूबर चाहे नहीं शर्म नहीं आती आपको। हेलो
विजय ये कौन है? कौन है ये? इतना वाह यार कैमरा मैन, जिसको बार बार बोलना पड़ता है जो लेने वाली चीजें वो तो शूट करो। हम कहाँ आए हैं? idli.com आए हैं। idli.com कॉफी चाहिए हमें। idli.com क्या है? नंदू जी तो फुल नजारे ले रहे हैं जिंदगी का। नंदू जी ओके जी, लाइक ऑलवेज कन्फ्यूज्ड। इनको कॉफ़ी चाहिए थी, यहाँ से नहीं मिली है। वापिस वहाँ जा रहे हैं जहाँ इनको कतार में खड़े रहना बुरा लग रहा था। इतना बड़ा इन्होंने बोर्ड लाया पीछे देखो, फूड कोर्ट। फूड कोर्ट, अच्छा फूड कोर्ट इतना बड़ा, नीचे कमिंग सून छोटू सा लगाया था जिसे पता ही नहीं चला। तो हम चले बैठे शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ नहीं। मतलब इन्ने इरिस्पॉन्सिबल बच्चे मैंने ही देखे। दुनिया को पता चलना चाहिए। हम फाइनली पहुंच गए हैं, रितु जी सो गए हैं, पापा रितु के बाहर आ चुके हैं और रितु ने इस बार बहुत परेशान किया फ्लाइट में, आगे वालों को परेशान करके रखा था और मुझे इन्होंने भी बहुत परेशान किया। कुछ चीजें तो मुझे शीना के साथ समझ आ गई कि मुझे रिदु के साथ क्या नहीं करनी है। फाइनली चंडीगढ़ पहुंच चुकी है, शीना से ट्रॉली भी नहीं खुल रही थी, करने की पेन कहाँ गई है, बच्चा गाड़ी में पकड़ के मैं ला रही हूँ, दीदी से ट्रॉली नहीं खुल रही थी। भाई मारो मुझे, मारो। मार ही डालो मुझे। बच्चा सो गया। हमारे पिगू जी अब सोए हैं, छोना मेरे पापा जी आ गए मेरी पिग्गी के। सेकंड दैट तुसी देखोगे जिस अवस्था थे आया ना, शीना ने मैंने सवेरे उदा उठाना पैंदा डेड बॉडी। क्लोजअप किया जाएगा, जो ये हालत है ना इस बैग की, शीना इदा होंगी है सवेरे और जिसका मैं उन्हें उठाना ना इदा ही मैंने उठाना होंगे। देख लो देखो लड़की रफ एंड टफ है, सारे काम खुद करती है। देख दीदी तुम टकराना नहीं, तुम आगे पीछे चलो, चलो 200 मील दूर रहो। रिदु के पापा आ गए, हेलो हेलो हाउ आर यू, चलो कुछ ओह नो कौन से सीन फाड़ लो। फ्लाइट ने अग्गे वाले ने भी तंग किया, की किया चीका और मैं के पापा ने तो दिख ही नहीं रहे सी, इधर किता तुसी तो दिख ही नहीं रहे सी। क्यों मैं शाम में खड़ा शाम में नहीं दिख रही। हेलो हाय 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 सो हम घर आ चुके हैं और रिद्धु भी उठ चुका है। यस, घर में गंद पड़ा है बहुत सारा। रजनी भी आ चुकी है, रजनी काली होके आई है अपने घर से।
शीना बेब्स, जिसने मुझे बहुत टॉर्चर दिया, मेरे गोवा ट्रिप को बुरी तरह से मेमोरेबल बनाया है। यार नहीं तो पूरा अच्छा सी, सिर्फ एंड ची कुछ होया सी। आई होप आप लोगों को हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं और शीना के बारे में ज़रूर बताएं कि बच्चों को कैसा होना चाहिए। ओ भाई मारो मुझे मारो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड आप बताएं नेक्स्ट आप व्लॉग क्या चाहते हैं। बाय, सी यू अगेन।